नकली जेवर। शिल्पा की शादी विजयनगर में हुई थी, इसीलिए ससुराल और मायके में बस 10 मिनट का फासला था। वैसे तो शिल्पा पढ़ी लिखी सुंदर लड़की थी, लेकिन उसके अंदर कुछ कमियां भी थी, जैसे भुलक्कड़ और गैर जिम्मेदार होना। उसके इस रवैये के कारण शिल्पा की माँ को उसकी बड़ी चिंता रहती थी। शादी के कुछ दिन बाद शिल्पा की सहेली श्रद्धा ने अपने घर पर एक थीम पार्टी रखी हुई थी, जिसकी थीम थी ट्रेडिशनल ड्रेसेस। शिल्पा पार्टी में सबसे ज्यादा खूबसूरत और ट्रेडिशनल दिखना चाहती थी, इसलिए वो पिछले कई दिनों से पार्टी की तैयारियों में लगी थी। बनारसी साड़ी के साथ अपना गोल्ड का नेकलेस, इयररिंग्स, कमरबंद और नथ टीका लगाऊंगी तो सब देखते ही रह जाएंगे। अरे हाँ, गुलाब के फूलों का गजरा भी, अब बनाना परफेक्ट कॉम्बिनेशन। शिल्पा पूरे 3 घंटे की जी तोड़ मेहनत के बाद आखिरकार सलीके से साड़ी और ज्वेलरी पहनकर जब अपने कमरे से बाहर आई तो वाकई सबकी आंखें खुली रह गई। भाभी, आय हाय, क्या लग रही हो आज? ये बनारसी साड़ी पर आपकी ज्वेलरी तो बहुत सूट कर रही है, बिल्कुल जयपुर की महारानी नजर आ रही हो। थैंक यू संजना। अच्छा, मैं ना अपनी सहेली के यहाँ जा रही हूँ, तो मम्मी जी को बता देना। हाँ, ननद के मुंह से अपनी तारीफ सुनने के बाद अब तो शिल्पा फूली नहीं समा रही थी। पार्टी में पहुंचने पर शिल्पा ने देखा कि उसकी सभी सहेलियां ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनकर अच्छे से सज संवर कर आई है, लेकिन उसकी बनारसी साड़ी और चमचमाते गहनों के सामने बाकी सब ड्रेसेस की चमक फीकी पड़ रही थी। क्या बात है शिल्पा, आज तो तू पहचानने में नहीं आ रही, बिल्कुल डिफरेंट लग रही है। बस एक कमी रह गई है। क्या कमी रह गई है? कौन सी कमी रह गई है? तेरी साड़ी देखकर मैं बता सकती हूँ कि ये ओरिजिनल बनारसी सिल्क है, कम से कम 10,000 की होगी ये साड़ी। अरे वाह, बिल्कुल सही गैस किया तूने, मानना पड़ेगा तुझे। बस इस 10,000 की साड़ी के साथ ये नकली गहने पहनकर तूने इसके चमक को धुंधला कर दिया। ये साड़ी और भी अच्छी लगती अगर तू प्योर गोल्ड ज्वेलरी कैरी करती। डोंट माइंड, लेकिन यहाँ तूने गलती कर दी, मेरी ज्वेलरी प्योर गोल्ड ही है। भूल मत, जौहरी की बीवी हूँ मैं, 100 मीटर दूर से असली नकली का अंतर बता सकती हूँ। मैं तेरे साथ शर्त लगाने को तैयार हूँ, अगर मेरी बात झूठी साबित हुई तो मैं वो करने को तैयार हूँ जो तू कहे। अरे यार शिल्पा, तूने गलत बंदे के सामने गलत बात छेड़ दी, तेरी भलाई इसी में है कि तू अपनी गलती मान और इस पूनम से अपनी जान छुड़ा। यार ऐसी भी क्या जरूरत आन पड़ी कि तू झूठा शो ऑफ करने के लिए नकली गहने पहनकर चली आई। सहेलियों के सुलगते हुए सवालों का सामना करने की हिम्मत अब शिल्पा के अंदर नहीं बची थी, इसलिए वो गुस्से और शर्मिंदगी में पैर पटकती अपने घर लौट आती है। घर पहुंचकर, मम्मी जी, आज सुबह मैंने जब आपसे अपने गहने मांगे तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि जो गहने पहनकर मैं गर्दन तान कर पार्टी में जा रही हूँ असल में वो नकली गहने हैं। आपको क्या मिल गया मेरी सहेलियों के सामने मेरी इतनी इंसल्ट करवा कर। अरे कैसी बात कर रही है बहू, सोच समझ कर बात कर, किसने कहा तुझसे कि वो गहने नकली है? मम्मी जी, झूठ पर चाहे जितने पर्दे डालो वो सामने आ ही जाता है। अब मेरे सामने कहानी बनाना बंद कीजिए और सच सच बताइए मेरे असली जेवर कहाँ है। देख बहू, अब पानी सर से ऊपर जा रहा है, तेरी अभी अभी नई नई शादी हुई है, बच्ची समझ कर तेरी गलत बातें बर्दाश्त कर रही हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे सब्र का बांध टूट जाए, इसलिए बेहतर यही होगा कि तू मेरी आंखों के सामने से ओझल हो जा। आज मैं चुप नहीं बैठने वाली, अब सच सच बताइए आपने मेरे गहने कहाँ छिपा रखे हैं? ओ, अब समझ में आया, कहीं ऐसा तो नहीं ना कि आपने मुझे शादी में ये नकली गहने देकर ही जान छुड़ा ली थी? देख विनय, तेरी बीवी क्या बोल रही है, ये कहती है मैंने इसके गहने चुराए हैं। अब मैं क्या इतनी गई गुजरी हूँ कि खुद के दिए गहने खुद ही तिजोरी से उठाकर पहले चोरी करूँ और फिर उनकी जगह नकली गहने छिपा दूँ? विनय को क्या बता रही हैं आप मम्मी जी, उसे तो पहले ही पता होगा ना उसकी मम्मी कितनी पहुंची हुई चीज है। जवाब तो आज आप मुझे देंगी, क्या शादी में इतने रिश्तेदारों के सामने आपने मुझे नकली गहने चढ़ाए थे? बेटा, इस तरह बिना सोचे समझे अपनी सास पर दोष लगाना कोई अच्छी बात नहीं है। विनय की माँ बिल्कुल सही कह रही है, ऐसे बिना सोचे समझे बड़ों का अपमान करना हमारे संस्कार नहीं है, और हम क्यों नकली गहने देने लगे? मेरी कमाई के 8 लाख रुपए लगे थे उन गहनों में, मैंने एक एक रसीद संभाल कर रखी है। घर में तू तू मैं चली रही थी कि तभी विनय का फोन बजने लगता है। नमस्ते मम्मी जी, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ बेटा, लेकिन क्या बात है आप लोग फोन नहीं उठा रहे, लैंडलाइन भी कई बार बजकर चुप हो गई, फिर मैंने शिल्पा के फोन पर कॉल लगाया तो उसने भी कोई जवाब नहीं दिया। अब आपको क्या बताऊं मम्मी जी,
यहाँ शिल्पा ने कलेश मचा कर रखा हुआ है। आपको तो आपकी बेटी की आदत का पता ही है। आज उसकी किसी सहेली के यहाँ पार्टी थी। जब से पार्टी से आई है घर में सबसे लड़ाई झगड़ा कर रही है, यहाँ तक कि मम्मी से भी उसने बदतमीजी की। अरे बेटा, लेकिन ऐसा हुआ क्या जो वो घर में कलेश कर रही है? मम्मी जी, आपकी बेटी मेरे परिवार वालों पर ये इल्जाम लगा रही है कि हमने उसके असली सोने के गहने बदल कर उसकी जगह नकली गहने रख दिए। जब मम्मी ने इस बात से इनकार किया तो वो मम्मी के पीछे ही पड़ गई है कि उन्होंने शादी में उसे नकली गहने चढ़ाए थे। दामाद विनय की बात सुनकर शिल्पा की माँ के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। वो थोड़ा सक पकाते बोली, अरे बेटा तुम जरा शिल्पा से मेरी बात तो कराओ। रुकिए, मैं देखता हूँ अगर वो बात करना चाहे तो। शिल्पा, तुम्हारी मम्मी का फोन है। हाँ हाँ, बस यही बाकी रह गया है। गलती आप लोग करें और शिकायत करने के लिए मेरे मायके में फोन लगा दे। फालतू की बातें मत करो शिल्पा, मैंने तुम्हारे मायके में कोई फोन नहीं लगाया, तुम्हारी मम्मी का फोन आया है। तुम चाहो तो फोन पर अपनी माँ से खुद बात कर लो। कहिए मम्मी, क्या बात है? सच सच बताइए। विनय ने आपको कॉल करके मेरी शिकायत की है ना? अरे नालायक, मेरी पूरी बात तो सुन। बस मम्मी, मुझे अब किसी की कोई बात नहीं सुननी। आज मैं दूध का दूध और पानी का पानी करके रहूंगी। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। इतना कहकर शिल्पा ने फोन काट दिया। लगता है ये नालायक आज मेरी नाक कटवा कर ही मानेगी। मुझे इसके ससुराल जाकर ही बात को संभालना होगा। फोन रखने के बाद शिल्पा की माँ आनन फानन में उसके ससुराल पहुँच जाती है। शिल्पा बेटा, ये सब क्या हो रहा है? दामाद जी ने बताया तो समधन जी के साथ गलत व्यवहार कर रही है। अच्छा, तो आपको आपके दामाद जी ने बुलाया है? तो आप अपने दामाद से ही पूछ लीजिए कि इन लोगों ने ये इतना बड़ा कांड क्यों किया। शिल्पा बेटा, बात चाहे जितनी भी बड़ी हो, तुम्हें इस बात की मर्यादा हमेशा रखनी चाहिए कि तुम अपने ससुराल में हो और अपनी सास के साथ बातें कर रही हो। सास ससुर और पति के साथ क्या इसी तरीके से बात की जाती है? क्या यही संस्कार मैंने तुझे सिखाए हैं? मैं तो कहती हूँ अभी के अभी माफी मांगो सबसे। अरे माँ, पूरी बात जाने बिना अब मुझे ही सुनाने में लग गई। पूरी बात जान तो लीजिए कि आखिर हुआ क्या है। मैंने बोला ना अभी के अभी सबसे माफी मांग, वरना भूल जा कि तेरी कोई माँ भी है। अरे मम्मी, अच्छा ठीक है, मैं माफी मांगती हूँ। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, पापा जी, मेरी गलती के लिए मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आप भी माफ कर दीजिए मुझे। ऐसे नहीं बेटा, सास ससुर के पैर छूकर माफी मांगो। शिल्पा सास ससुर के पैर छूते हुए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। अब तो मेरे साथ कमरे में चल, तुझसे बात करनी है। गुस्से में शिल्पा की माँ उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए उसे कमरे में ले जाती है और अंदर ले जाकर दरवाजा बंद कर देती है। ये क्या किया आपने? ससुराल में मेरी इज्जत का कबाड़ा करके रख दिया। क्या जरूरत थी आपको ये सब करने की? मैंने तेरी इज्जत कम नहीं की, बल्कि तेरी इज्जत बढ़ाई है। जब तुझे सच पता चलेगा ना, तो तेरे होश ठिकाने आ जाएंगे। हाँ, कहना क्या चाहती हूँ, खुलकर कहो ना। तू एक नंबर की भुलक्कड़ है, ये तो मुझे पता ही था, लेकिन ऐसी कम दिमाग की निकलेगी ये नहीं पता था। अरे इतना भी कोई बेवकूफ कैसे हो सकता है? भूल गई पिछली बार जब तुम मायके आई थी, अपने सारे जेवर देकर तूने मुझसे क्या कहा था? मम्मी देखो ना, कितने भारी भरकम गहने चढ़ाए मुझे मेरे ससुराल वालों ने, पर बहुत सुंदर है ना? सुंदर तो बहुत है बेटा, लेकिन तेरे भुलक्कड़ स्वभाव के कारण मुझे खुशी से ज्यादा चिंता हो रही है। अरे तूने ये गहने घुमा दिए ना, तो लेने के देने पड़ जाएंगे। मम्मी आप ऐसा करो, वर्मा अंकल के यहाँ से ना मेरे सारे गहनों के डुप्लीकेट गहने बनवा दो, असली गहने तिजोरी में रखवा देती हूँ, और जहाँ भी जाऊंगी नकली गहने पहनकर ही जाऊंगी। खोने का भी टेंशन खत्म हो जाएगा और रोज रोज इन सोने के गहनों को संभालने का भी झंझट खत्म हो जाएगा। तूने कहा था इसीलिए मैंने तेरे सोने के गहनों के डुप्लीकेट बनवा कर तेरे बैग में रख दिए, और असली सोने के गहने अपने लॉकर में संभाल कर रख दिए थे। और तू इतनी कम दिमाग है कि अपनी ही गलती अपने ससुराल में गला फाड़ फाड़ कर सबको बता रही है। मम्मी, मेरे तो दिमाग से ही निकल गया था। थैंक यू मम्मी, आपने आकर बात को संभाल लिया। लेकिन मम्मी जी अब चुप नहीं बैठेंगी, बोल रही थी कल सुनार के पास जाकर गहने चेक करवाएंगी, अब मैं क्या करूं? बेटा ये ले तेरे असली गहने, आज तो मैंने बात संभाल ली, लेकिन अब अपनी जिम्मेदारी तो खुद संभाल। अब तुझे ससुराल वालों से कैसे माफी मांगनी है वो तू देख, मैं चली। बहन जी, मैं शिल्पा की तरफ से माफी मांगती हूँ, उसकी सहेली ने न जाने उससे क्या पट्टी पढ़ाई,
जो वो ऐसा कह गई। अब ना वो बहुत शर्मिंदा है, प्लीज मेरे कहने पर उसे इस बार माफ कर दीजिए। शिल्पा की माँ के बार बार माफी मांगने पर घर का माहौल थोड़ा सामान्य हो जाता है, लेकिन शिल्पा के सर से गहने पहनकर शो ऑफ करने का भूत हमेशा के लिए उतर जाता है।